तबरेज साहब, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी, कि आपकी कोई भी मेहरबानी इसलिए नहीं है क्योंकि आमिर और मैं काम में अच्छे हैं। आपको पहली मुलाकात में भी बताया था कि शादीशुदा हूं मैं। आपको क्या लगता है सब आप डिजर्व करती हैं? नहीं करती बोलते, इससे बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, कहीं ज्यादा। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे झूठ बोलने की, पसंद करता हूं मैं आपको। हीरे की पहचान है मुझे कुलदेव, और आप हीरा हैं। ये वैल्यू नहीं है आपकी, आपके शौहर ने जिस तरह आपको लाके फैक्ट्री में खड़ा कर दिया, आपसे काम करा के, मुझे नहीं दिखता आपको अच्छा नहीं लगता। हालात से मजबूर होके करती हैं आप ये सब कुछ, लगता है अच्छा? मैं जो महसूस करता हूँ ना आपके लिए, मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई गई हैं, लेकिन ये कुछ और है रेप जो मैं आपके लिए महसूस कर रहा हूँ। ये बातें ठीक नहीं है, खुदा रहा आप ये बातें ना करें तो बेहतर है। सच कहा, कभी किसी को अच्छा लगता? क्या आपने आमिर को इसलिए कराची भेजा? आपको क्या लगता है? खुश रहे, आपको लगता है मैं कोई साजिश कर रहा हूँ? फैक्ट्री में और भी बहुत से लोग काम करते हैं, उनका भी फैसला होता है। आमिर की जरूरत थी वहां कराची में, इसलिए उसको वहां भेजा उन्होंने, और कब बुलाएंगे ये भी फैसला वही करेंगे। एक अच्छा एम्प्लॉई है आमिर, लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं है गुरदेव। उसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका कोई नुकसान नहीं चाहता, देव आपका भला चाहता हूँ, इसलिए बातें कह रहा हूँ। उसे हथेली ऐसे सजा के रखना चाहिए था ना, जमीन पे लाके पटक दिया। मैं कदर करता हूँ आपकी, ये बातों पे बैठ के गौर जरूर कीजिएगा, नुकसान नहीं चाहता।